पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने प्रदेश के सभी मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मंडी में इस प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए जिला भाजपा ने जोरदार से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मंडी में इस प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए जिला भाजपा ने जोर शोर से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनता पार्टी जिला कुल्लू की ओर से पश्चिम बंगाल में जो संदेश खली में पिछले दिनों से संदेश खली जिस प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है, संदेश खली में जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न और वहां पर जिस प्रकार से हिंदुओं की जमीनों पर कब्जे की जो घटनाएं उजागर हुई हैं, उसको लेकर के जिला कुल्लू की ओर से यहां पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से पश्चिम संदेश खली और पश्चिम बंगाल के ऐसे अनेक स्थानों पर जिस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, और ये तो हमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और वहाँ की जो महिलाएं, उन्होंने जो हिम्मत दिखा करके उनकी जिस प्रकार से जुतम पिटाई की टीएमसी के नेताओं की, जिसके और उस कारण पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना और सभी लोगों को ये पता लगा कि किस प्रकार का अत्याचार वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रहा है। ये वैसा ही अत्याचार है जैसा मुगलों के समय में हिंदुओं के साथ हुआ करता था, उसकी वे पुनरावृत्ति है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक इसकी तह में नहीं जाएगी और जब तक टीएमसी के गुंडों को सजा ना मिले, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रखेगी। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के शासन में महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में जिला भाजपा पदाधिकारियों ने कुल्लू में जिला भाजपा अध्यक्ष अरविंद चंदेल की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। ममता सरकार ने जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल में किए हैं, उनके एवज में आज पूरे भारत में हम, ये मंडी में भी हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो आपके माध्यम से हम यहाँ बताना चाहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के से भी वो एक ऐसा लगता है कि वहाँ जो जघन्य अपराध महिलाओं के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके विरोध में वो एक महिला मुख्यमंत्री अपने को कहलाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा वो नहीं कर पा रही है। हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए नए नए, जैसे आजकल पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, वैसे ही विधानसभा और लोकसभा के लिए भी मोदी जी 33% का आरक्षण, जैसे हमारे लोकसभा में भी महिला की सीटें रिजर्व रखकर और इसमें विधानसभा में भी सीटें रिजर्व रखकर एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम हमारे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल में जो महिला मुख्यमंत्री अपने आप को महिला मुख्यमंत्री मानती है और जो बलात्कार वहाँ महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर उनके मंत्री रातों रात महिलाओं को बुला रहे हैं और ऐसे ऐसे घिनौने कार्य कर रहे हैं, जिस इसके विरोध में आज हम यहाँ मंडी में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने प्रदेश के सभी मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा के साथ कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।